कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ इन योर होम। सो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं, जो है गुपचुप टमाटो, स्टफ्ड टमाटो, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 बॉइल्ड पोटैटोज, जिसको हमने मैश्ड करके रखा है, सम टमाटोज जस्ट लाइक दिस हॉलो। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमें इसको हॉलो कैसे करना है। अभी हमें चाहिए छोले, छोले जो हम ये वाइट वाले छोले होते हैं उनको मैंने बॉईल करके बहुत ही चटपटा सा भून चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ डाला है। अब हमें इसके लिए चाहिए 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून काली मिर्च पाउडर, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला और कुछ हरे धनिए के पत्ते, और थोड़ा सा हमें इसमें पानी चाहिए। आइए हम पहले देखते हैं कि हम टमाटो को कैसे हॉलो करेंगे। हमने टमाटो लिया, उसको ऊपर से धीरे से ऐसे उतारेंगे और इसको नाइफ की हेल्प से ऐसे हॉलो करेंगे। ये बहुत इजीली हो जाता है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। देखिए ये हमारा हॉलो हो चुका है, इसमें से हमने ये सारे बीज निकाल दिए हैं। अभी इसमें बाकी हैं, ये हम सारे निकाल देंगे। ऐसे करके हम ये सारा हॉलो कर लेंगे। देखिए ये हमारा बहुत अच्छी तरह हॉलो हो चुका है, ये हमने यहाँ रख लिया है। अब हमें नाइफ की नीड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग आई मीन की रैपिंग। चाट मसाला पाउडर और नमक ये हमने डाला इसमें, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इसको हम थोड़ा सा चटपटा बना रहे थे, इसीलिए हमने दोनों चीज़ यूज़ करी है। अब हम इसमें डाला कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब हम इसको थोड़ा सा हरे धनिया की पत्तियां डालेंगे इसमें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है आगे। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर ऑयल रखेंगे और गैस गरम करने के लिए रख देंगे। इतने हम अपना तेल गरम होगा तो हम दोबारा से अपने वापस आ जाते हैं यहीं पर। अब हमें इन्हें देखना है कि हमें इन्हें कैसे बनाना है। जो भी टमाटो के अंदर एक्स्ट्रा पानी आए आप उन सबको निकाल लीजिएगा, इसका जूस आ जाता है रखकर थोड़ी देर। हमें इसके अंदर बिल्कुल भी जूस नहीं रहने देना है। अब हमें क्या करना है, ये छोले जो हमने बनाए थे चटपटे से मज़ेदार, वो हमें इसके अंदर फिल करने हैं। बहुत अच्छे से हमें ये फिल करने हैं, हमें इसको बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना हमें इसे बिल्कुल भी। देखिए आप देखिए कि हमने ये इसको बिल्कुल अच्छे से फिल कर दिया है। ऐसे ही हम ये सारे बाकी बचे हुए छोले, ये टमाटोज भी फिल कर लेंगे। देखिए हमने सारे फिल कर लिए हैं। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें थोड़ा सा ये स्टफिंग लेनी है और अपने हाथ पे पानी लगाना है। और इसको हमें थोड़ा सा बड़ा 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 करना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी आलू की स्टफिंग और ले लेते हैं। हमें अपने हाथ पे पानी लगाना है, याद रखिएगा घी लगाने से ये नहीं हो पाता है। और हमें इसके अंदर टमाटो ऐसे रख के इसको रैप करना है। आपको अगर लगता है कि ये टमाटो पूरे अच्छी तरह से नहीं आ पाया है तो हमें इसको ऐसे लेके रैप कर देना है। याद रखिएगा मैं बार बार बता रही हूँ, हमें ये पानी की हेल्प से करना है। ऑयल से अगर करेंगे तो टमाटो बड़ा चिपका चिपका सा चिकना हो जाता है और उसके ऊपर हम कुछ भी रैप नहीं कर पाते हैं, वो फिर टिपिकल हो जाता है।
हमें पानी की हेल्प से करना है ये सब कुछ। देखिए हमारा टमाटो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह रैप हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें ये सारे रैप कर लेने हैं। देखिए ये हमने सारे कवर्ड कर लिए हैं बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। ये हल्का सा उठाते हुए ऐसा हो जाता है क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाया है। हम इसको फिर से ऐसे कवर कर लेंगे और इसको धीरे से हम ऑयल में डालेंगे। In between, please like our channel, subscribe our channel and follow on us on Instagram. ये आपको बहुत ही tempting लगेंगे, इसका name बहुत tempting है, गुपचुप टमाटो। गुपचुप टमाटो means कहाँ है टमाटो, इसके ऊपर तो potato है। Wow, awesome. आइए देखें। हमें ऐसे इसको फ्राई करना है बहुत अच्छे से इक्वल। देखिए बहुत अच्छा फ्राई होगा। ये एक स्नैक्स भी है और एक वेजिटेबल भी है। अगर हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं स्टफ्ड टमाटो, तो हम स्टफ्ड टमाटो के अंदर एक ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर ये वाले कोफ्ते रख देंगे। लोगों को लगेगा कि ये आलू के कोफ्ते हैं, बट वाओ जब खाएंगे तो इसमें लगेगा क्या ऑसम चीज है। हमें थोड़ा सा सावधानी से इसको बनाना है। हम एक दो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ये मतलब मिक्सड अप होके आई थिंक फ्राई नहीं हो पाएंगे, तो हमने इसलिए दो ही एक साथ डाले हैं कढ़ाई में। देखिए कितना टैम्पटिंग बेक हो गया है, हमारा फ्राई हो चुका है ये बिल्कुल परफेक्ट। ये हम एज ए स्नैक्स भी यूज, हम ये एज ए स्नैक्स यूज कर रहे हैं अभी यहाँ पर। बट हमें, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम इसकी वेजीज भी बना सकते हैं, स्टफ्ड टमाटो की वेजिटेबल। देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, हमने ये टिश्यू पेपर के ऊपर उतारा, बहुत शार्प से नाइफ से हमें इसको कट करना है। वाओ इट्स ऑसम, ये देखिए हमें इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर किसी भी हरी चटनी के साथ या फिर मीठी सॉस के साथ या फिर हम मीठी सॉल्ट के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ हम किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी डिश है, आप लोग जरूर से ट्राई करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।